हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम ये पाठ्यक्रम में क्रिएट करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये सामने वाला आर्क क्रिएट करने जा रहा हूँ। वाई जेड प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, स्केचर में जाता हूँ, यहाँ पर आर्क रेडियस 50 mm। इसके बाद अब मैं ये पीछे वाला आर्क क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो ये आर्क हमें दिया है 150 mm के डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करता हूँ वाई जेड प्लेन से 150 mm के डिस्टेंस पर। इस प्लेन पर आर्क रेडियस 100 mm। तो यहाँ पे यूज करता हूँ ब्लेंड कमांड। ये फर्स्ट कर्व और ये सेकंड कर्व। इसके बाद अब मैं ये ऊपर वाला सर्कल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो ये सर्कल हमें दिया गया है नीचे से 150 mm के डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर और एक रेफरेंस प्लेन एक्स वाई प्लेन से 150 mm के डिस्टेंस पर। तो इस प्लेन पर सर्कल डायमीटर दिया है 50 mm, सेंटर से साइड तक डिस्टेंस 75 mm। इसके बाद हमें यहाँ पे ये डॉटेड सर्कल दिया है और यहाँ पे लिखा है डायमीटर 100 ड्रॉन ऑन डिफॉल्ट प्लेन एट ओरिजिन। तो ओरिजिन के प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। तो हमें इस ओरिजिन के प्लेन पर 100 mm डायमीटर का सर्कल दिया गया है और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक। तो यहाँ पे भी यूज करता हूँ ब्लेंड। तो यहाँ का एक्स्ट्रा परसेंट ट्रिम करने के लिए मैं यूज करता हूँ ट्रिम कमांड। दोनों सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हो एक्स्ट्रा परसेंट ट्रिम हो गए। तो अब मैं इस ऊपर वाले सर्कल को फिल करता हूँ। तो इसके बाद अब मैं ये साइड के प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ जो हमें 150 mm के डिस्टेंस पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी रेफरेंस प्लेन, इस प्लेन पर आर्क रेडियस 25 mm, साइड से डिस्टेंस 75 mm। तो इसके बाद हमें यहाँ पे डॉटेड आर्क दिया है जिसका रेडियस 50 है, ड्रॉन ऑन डिफॉल्ट प्लेन एट ओरिजिन। ओरिजिन के प्लेन पर 50 mm का आर्क रेडियस 50 और साइड से डिस्टेंस 75 और ये भी हो जाएगा ब्लेंड। तो ये प्रोफाइल हमें दूसरे साइड में भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे यूज करता हूँ सिमेट्री कमांड। ये प्रोफाइल और जेड एक्सप्लेन। तो अब मैं यूज करता हूँ ट्रिम कमांड और सभी सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो बीच का एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम हो गया। तो इसके बाद अब मैं आर्क का प्रोफाइल क्लोज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल को क्लोज करूँगा। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। और इसके बाद यूज करता हूँ फिल कमांड और ये प्रोफाइल हो गया क्लोज। सिमिलरली पिछले साइड में और इसी तरह इस साइड में।
और फाइनली इन सभी सरफेस को ज्वाइन करता हूँ। और ये हो गए ज्वाइन, तो हमारा ये 3D मॉडल क्रिएट हो गया। ये रहा टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।